नमस्कार साथियों, जनरल साइंस की रैपिड क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, जनरल साइंस की रैपिड क्लासों का उद्देश्य यह है कि जितनी भी आने वाली परीक्षाएं हैं, आरपीएससी की आरएएस वाली परीक्षा आ रही है, बीपीएससी की परीक्षा आ रही है, और आने वाली जितनी भी परीक्षाएं, चाहे वो यूपीपीएससी की हो या यूपीएससी की हो, तो उन क्वेश्चनों को टारगेट किया जा रहा है जो परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। और जितनी भी क्लासेज हमने रैपिड क्लासेज अन्य सब्जेक्ट की भी डाल रखी हैं, उनको ज़रूर देखिए आप, और आपकी तैयारी में निश्चित रूप से बूस्ट मिलेगा और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। चलिए, जनरल साइंस की रैपिड क्लास में आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इस टॉपिक का नाम है वायुमंडलीय गैसें। क्या नाम है? वायुमंडलीय गैसें। तो टॉपिक है वायुमंडलीय गैसें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे वातावरण में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं और उनकी मात्रा क्या है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है, वह पाई जाती है नाइट्रोजन। उसके बाद जो गैस पाई जाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा सामान्यतः परीक्षाओं में पूछ ली जाती है 20.95, यानी 20.95 ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है, ये लगभग 21% के इक्विवेलेंट मानी जाती है। आर्गन की जो मात्रा है 0.93 मात्रा जो है, वो तीसरे नंबर पे ये गैस पाई जाती है। चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा परीक्षा में जो गैस का क्वेश्चन पूछा जाता है, वह यही पूछा जाता है। छात्र भूलते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, भूलते हैं। इसको आप ज़रूर याद रखिए, इसकी मात्रा कितनी है। तो इसकी मात्रा है 0.03%। कितना है? 0.03%। इतना याद रखिए, पॉइंट और थ्री के बीच में एक जीरो है। कितनी जीरो है? एक जीरो है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। अन्य गैसों की मात्रा के हिसाब से नियॉन, हीलियम, मिथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, ओजोन और जीनोन पाए जाते हैं। तो यहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं मिलती है। तो इन गैसों के अलावा यदि कोई गैस आपको प्रश्न में दी जाए, तो वह वायुमंडल में नहीं पाई जाती, क्योंकि इन गैसों के अलावा भी अन्य गैसें होती हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी अक्रिय गैसें हैं, जैसे नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ओजोन, सॉरी जीनोन, ये अक्रिय गैसें हैं। तो कौन कौन सी अक्रिय गैसें वायुमंडल में मिलती हैं? नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन और जीनोन, ऐसी अक्रिय गैसें हैं जो वायुमंडल में हमारे पाई जाती हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है? देखिए, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का क्रम बताइए। तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। उसके बाद कौन पाई जाती है? ऑक्सीजन। उसके बाद कौन पाई जाती है? आर्गन। उसके बाद कौन पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बाद अन्य गैसें पाई जाती हैं। ये क्रम आपसे परीक्षाओं में, आने वाली परीक्षाओं में यह क्रम पूछा जा सकता है। तो देखिए, पढ़ाई का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होना चाहिए, कि हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं ये इम्पोर्टेंट करता है, हमने क्या पढ़ा है ये इम्पोर्टेंट करता है, हमें ग्रंथों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती हैं। अन्य गैसों में भी मैंने क्रम निर्धारित किया हुआ है, यही इसी क्रम से पाई जाती है। नियॉन, हीलियम, मिथेन, क्रिप्टॉन और हाइड्रोजन, ठीक है, ओजोन और जीनोन। अब देखिए, कई बार वायुमंडल में नमी होने पर, बारिश की स्थिति होने पर, वायुमंडल में जल वाष्प पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जल वाष्प पाई जाती है। और इस जल वाष्प की जो मात्रा है वायुमंडल में, वह कितनी है? 5% है। कितनी है? 5%। जल वाष्प के बारे में कहा जाता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जल वाष्प की मात्रा में क्या होती चली जाती है? कमी होती चली जाती है। स्टेटमेंट देकर आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि जल वाष्प की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाएं चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएं, जल वाष्प की मात्रा में क्या होती चली जाएगी? कमी होती चली जाएगी। इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जल वाष्प के कारण ही वर्षा होती है, जल वाष्प के कारण ही हिमपात होता है, जल वाष्प के कारण ही बादल बनते हैं, जल वाष्प के कारण ही ओलावृष्टि होती है। जल वाष्प के कारण ही क्या होती है? ओलावृष्टि। तो हमें यह समझ में आया कि भूमध्य रेखा पर जल वाष्प की मात्रा ज़्यादा है, तो यहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होगी, यहाँ पर ओलावृष्टि भी ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर चलते जाएंगे, तो वहाँ पर बारिश की सांद्रता भी क्या होती जाएगी? कम होती चली जाती है, बारिश भी कम होती चली जाती है। तो उसका कारण यही है कि वहाँ पर जल वाष्प की मात्रा में क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे
कि यह नाइट्रोजन गैस क्या काम करती है। नाइट्रोजन गैस अमीनो अम्ल का मुख्य स्रोत है और अमीनो अम्ल किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, और प्रोटीन किसी भी सजीव का निर्माणकारी इकाई है। यानी यदि किसी भी सजीव का शरीर यदि बना है तो सबसे पहले कौन सी संरचना बनाती है, प्रोटीन बनाती है। दूसरा, ऑक्सीजन क्या काम करती है, ऑक्सीजन पादपों में भोजन निर्माण का क्या है, स्रोत है, भोजन निर्माण का क्या है, स्रोत है। और ऑक्सीजन जीवनदायी गैस है, जीवनदायी गैस है। अगर ये ऑक्सीजन पृथ्वी पर ना हो तो हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो ऑक्सीजन भोजन निर्माण में सहायक है पादपों के लिए, और उन पादपों के निर्मित भोजन को हम जंतु खाते हैं, और ऑक्सीजन नहीं हो तो इस पृथ्वी पर कोई भी जीव जीवित नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि कौन कौन सी गैस वायुमंडल में पाई जाती हैं। एक बार हम रिवाइज करें, नाइट्रोजन गैस 78%, ऑक्सीजन गैस 20.95%, आर्गन गैस 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, 10 है बीच में, और अन्य गैसें पाई जाती हैं, नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, ओजोन और जिनोन। जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में जब नमी हो तो कितनी है, 5% है। जलवाष्प के कारण ही वर्षा, हिमपात, बादल और ओलावृष्टि होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा में क्या आती चली जाती है, कमी आती चली जाती है। और इस तरह से आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनकी मात्रा का क्रम क्या होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और जनरल साइंस की रैपिड क्लासेस को आप लगातार देखते रहिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाइए, बूस्ट करिए, और जो भी हम क्वेश्चन टारगेटेड जो भी क्लासेस आपको पढ़ा रहे हैं निश्चित रूप से उन क्लासेस का लाभ होगा। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार पढ़ रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अन्य सब्जेक्ट की रैपिड क्लास को जरूर पढ़ें, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग हो। नमस्कार।